हे गाइस, दिस इज अभिलाष और मैं इस सैटरडे को देखकर आया करतम भुक्तम। बट मैं थोड़ा सा बिजी था तो इसलिए मैं ये रिव्यू नहीं कर पाया। बट खैर, देर आए दुरुस्त आए, तो अब बात शुरू करते हैं सबसे पहले इस मूवी के ट्रेलर से। तो मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा और मैं इंस्टेंटली हुक्ड था कि भाई ये क्या मूवी है। आई वॉज अमेज्ड, मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ भाई, कॉन्टेंट ओरिएंटेड मूवी वापस से रिलीज हो रही है। फिर मैं ये मूवी देखकर आया और फिर अब बात करते हैं इस मूवी के रिव्यू की। तो करतम भुक्तम मूवी का रन टाइम है 2 घंटे और 10 मिनट का और जॉनरा है थ्रिलर ड्रामा। तो कहानी शुरू होती है देव नाम के एक आदमी से जो कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के सिलसिले में न्यूजीलैंड से इंडिया आता है। बट फिर कोर्ट कचहरी और बैंकों के चक्कर मार मार के ये परेशान हो जाता है। उसके बाद ये पहुंचता है एक ज्योतिष के पास और फिर वहां से इसकी लाइफ चेंज होने लगती है और फिर मूवी में आते हैं बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। अब बात करें फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ कहानी का बढ़िया सा बिल्डअप है। यहां पर आपको मूवी स्लो लग सकती है बट ये जो पूरा बिल्डअप है ये बढ़िया था और इंटरवल के बाद ये मूवी पूरी 180 डिग्री का टर्न मार लेती है। अब सेकंड हाफ में भी जो पहले वाला आधा घंटा है उसमें तो आपको फिर भी मजा आएगा। आप लोग सोचते रहोगे कि भाई ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसने किया। और इसके बाद आता है मूवी में एक एक्सपोजिशन डंप यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि आपके दिमाग में जबरदस्ती के लॉजिक घुसेड़ने की कोशिश करता है कि भाई ये इसने किया, ये उसने किया, इस तरीके से किया और इसलिए किया, जबकि आपका दिमाग कहता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, दिमाग में अपेंडिसाइटिस हुआ है क्या। और इस एक्सपोजिशन डंप के बाद ये मूवी बन जाती है एक क्राइम पेट्रोल का एपिसोड जिसमें आपको ऑलरेडी सब पता रहेगा कि भाई किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। बट क्योंकि आप लोगों को वो नेगेटिविटी वाला किक चाहिए इसलिए आप वो जबरदस्ती पूरा एपिसोड देखते हो और वो सेम चीज आपके साथ इस मूवी में भी होगी। एंड दिस होल थिंग was disappointing। बट हाँ, ये मूवी देखते वक्त आपको आई मूवी की जरूर याद आएगी। पर खैर, बाकी के जो एलिमेंट्स है जैसे कि सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, ये बढ़िया थे। मूवी का जो आसपास का एनवायरनमेंट जो दिखाया गया है वो काफी रिलेटेबल सा है। बट यहाँ पर बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा लाउड और ओवर द टॉप था। मतलब इतना नॉर्मल सा सीन है कि अपना जो हीरो है वो कार में बैठ रहा है बट पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो है KGF वाला। बाकी ओवरऑल बात की जाए तो दिस वॉज अ गुड वन टाइम वॉच जिसमें स्टोरी थोड़ी सी अच्छी प्लान आउट की जा सकती थी, जिसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा बेटर हो सकता था और के आधे घंटे में जो ट्रीटमेंट था इस पूरी चीज का वो भी अच्छा किया जा सकता था। बाकी की मूवी बढ़िया थी, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ये मूवी आप अपनी फैमिली वालों के साथ जाके देख के आ सकते हो। बाकी मेरे पर्सनल ओपिनियन में OTT का वेट कर लो। पेरेंटल गाइडलाइंस में इस मूवी में कोई भी सेक्स सीन्स नहीं है, न्यूड सीन्स नहीं है और गालियां नहीं है। इट्स कम्प्लीटली सेफ टू वॉच। बट अगर आप लोगों के घर में कोई बच्चे हैं तो उनको ले जाके आप गारफील्ड मूवी दिखा के आ सकते हो, उसके रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, वो भी इसी वीक रिलीज हुई थी। और अगर आप लोगों को इस वीकेंड कुछ नहीं मिल रहा है देखने को तो ये सजेशन लेते हुए जाओ, मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया फॉर ऑल मैनकाइंड एंड दिस इज अ फैंटास्टिक वेब सीरीज। IMDb रेटिंग्स पे बिल्कुल मत जाना, कंटेंट चाहिए तो ये है असली कंटेंट। तो तुम जाके इसको भी एप्पल टीवी पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी सारी बातें विद द रिव्यू ऑफ करतम भुक्तम। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।